नमस्कार, अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, आपको बहुत बहुत अभिवादन। मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रोमनी गुरु .com से आपसे मुखातिब होता हूँ आज 16 सितंबर सन 2021। दोस्तों, आज की चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा एवं नुकसान और खतरे के घंटे, एग्रो कम्युनिटीज में क्या संभावनाएँ बनेगी, शेयर बाजार के अंदर क्या उतार चढ़ाव रहेगा और नॉन एग्रो कम्युनिटीज यानी सोने चांदी के अंदर आज क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। एक तत्व को 3 राशियों का स्वामित्व दिया गया है, यानी अग्नि तत्व को मेष, सिंह और धनु राशि, ये त्रिकोण के अंदर ये राशियां हैं काल पुरुष की, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। आज अग्नि तत्व की राशियां को लाभ कमाने का अवसर मिल सकता है, किंतु 2 से 3 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। आज संभवतः आज आपके लिए दिन अच्छा या मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। 12 से 1 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी बहुत जरूरी है। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशियां हैं, मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। एक कदम आगे एक कदम पीछे, ऐसी सी स्थिति बन सकती है। लूँ ना लूँ, कितना लूँ, कब लूँ, किस भाव पे लूँ, इस तरह की परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखिए। 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशियां, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है। बैंकिंग स्टॉक्स में काम करिए, बुलियन के अंदर ध्यानपूर्वक काम करिए, संभवतः मुनाफा कमा सकते हैं। ये तो राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान एवं खतरे के घंटे। अब सबसे पहले एग्रो कमोडिटी। आपको याद होगा दोस्तों, हमने मार्केट टाइम्स के ऊपर लगभग 6 महीने पहले, फिर 3 महीने पहले, फिर 1.5 महीने पहले लगातार आपको आगाह किया था कि गवार सीट के अंदर कुछ मजबूती की संभावनाएं नज़र आ रही हैं और ये एक अच्छा निवेश के लिए कमोडिटी बन सकती है। गौरतलब है कि गवार सीड ने सन 2011-12 और 12-13 के बाद कोई बड़ी तेज़ी नज़र नहीं आई। लगातार गवार सीड ने किसानों और कारोबारियों को परेशान हैरान किया है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के जो किसान और कारोबारी हैं वो गवार के नाम से ही बिदकने लग गए थे, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक गवार ने मुनाफा नहीं दिया। यही वजह रही कि किसानों का भी धीरे धीरे इससे मोह भंग होता गया दोस्तों। लेकिन कहा जाता है कि एक लंबे समय तक यदि कचरा भी कहीं पड़ा रहे तो वो भी खाद्य के रूप में उपयोगी हो जाता है, तो गवार सीड इस वर्ष तेजी दिखा रहा है, जिसका अग्रिम अनुमान हमने लगाया। लेकिन याद रखिएगा, गवार सीड हमेशा फुबारा भी करता है, मुनाफा छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन ये गिराकर भी देता है। तो दोस्तों, हमारे आगे वाले अन्य एपिसोड्स लगातार देखते रहिए मार्केट टाइम्स के ऊपर। हम गवार पे आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया अपडेट देने का प्रयास करेंगे। तो आज आप गवार सीड पे नज़र रख सकते हैं। प्याज एक बहुत महत्वपूर्ण कमोडिटी है। प्याज की तेजी मंदी पर सरकार भी बहुत बारीक नज़र रखती है। गौरतलब है, सरकार ने इस साल 2 लाख टन का प्याज का बफर स्टॉक बना रखा है, क्योंकि पिछले साल की ज़बरदस्त तेज़ी से आमों खास यानी उपभोक्ता को बड़ी परेशानी को देखते हुए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। लेकिन गृहस्थिति के अनुसार संभवतः ये 2 लाख टन का बफर स्टॉक भी प्याज की तेज़ी को शायद ना रोक पाए। अक्टूबर नवंबर का महीना प्याज के लिए तेज़ी लेके आ सकता है, लेकिन गौरतलब है ये तेज़ी पिछले साल जितनी भयानक तेज़ी नहीं रह सकती है, लेकिन प्याज के दामों में मौजूदा भाव से सकारात्मक रुख अक्टूबर और नवंबर महीने में बन सकता है। स्टॉक सर भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। आप नज़र रखिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स, दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन और FMCG के स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं। आज का हमारा रिकमेंडेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड,
ITC और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन रहेगा। गौरतलब है कि हमने अपने पिछले लगातार 3 शो के अंदर आपको से नज़र रखने के लिए कहा था। आपको याद होगा कल हमने पंजाब नेशनल बैंक पर भी नज़र रखने के लिए कहा था, पंजाब नेशनल बैंक आज भी तेज रह सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में एकमात्र तरीका साधन या टूल है जो आपको आने वाली तेजी या मंदी का एक सटीक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, और इसका प्रैक्टिस सदियों से हमारे देश में रहा है और भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था उसमें इसका भी एक अहम रोल था। अग्रिम अनुमान लगाना फसलों का, मानसून का, उत्पादन का और कंजम्पशन का, ये एक महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी तेजी या मंदी के लिए, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इसमें अक्सर सत्य साबित होती है। इसकी एक्यूरेसी रेट दूसरे मेथड से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों हम ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी कंडक्ट कर रहे हैं। भारत की इस रहस्यमय विद्याओं को आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस सैटरडे एवं संडे को हम लोग कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारियाँ आपको फंडामेंटल एनालिसिस एवं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दी जा रही है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं की रिसर्च, विवेक एवं अपने सलाहकार से भी सलाह कर सकते हैं। अंतिम और सबसे विशेष बात, दोस्तों आप अपना नफ़ा या नुकसान तय करें, नफ़ा आप तय करें या ना करें, लेकिन नुकसान यानी स्टॉप लॉस का आप विशेष ख्याल रखें। इस बाजारों के अंदर बड़ा मुनाफे के लालच में लगातार नुकसान झेलना खतरा से साबित हो सकता है। अपना एक नुकसान यदि आप स्टॉप लॉस का आप ध्यान रखें, किसी भी कीमत में 2% स्टॉप लॉस या नुकसान लेने की स्थिति में शॉर्ट टर्म के व्यापारी को नहीं रखना चाहिए। लंबी अवधि के अंदर कम से कम 12 से 3 इसका विशेष ख्याल रखें। ये एक बुनियादी ज़रूरत है, ये बुनियादी एजुकेशन भी है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।